तो ये है सबसे बड़ा कृषि मेला जहाँ जो कि लुधियाना पंजाब के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे देख पा रहे हो काफ़ी किसान भाइयों का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करतार क्रॉप क्रूजर यहाँ पे खड़ा हुआ दिखने को मिल रहा होगा आपको। स्प्रे मैन का यहाँ पे पावर प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी जो एग्रीकल्चर को लेके अच्छे इन्होंने इक्विपमेंट्स बनाए हैं उनको लेके यहाँ पे उनका स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे ना पम्मी बी सेंगन सन्स का यहाँ पे स्टॉल देखने को मिल रहा है जो कि इम्प्लीमेंट्स को बनाने में काफ़ी किसान भाइयों के लिए उपयोगी इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद अगर आगे की तरफ चले तो यहाँ पे कुबोटा कंपनी का जो है किसान भाइयों के लिए स्टॉल लगाया हुआ है जो कि मल्टीपल इनके जो मॉडल्स हैं वो भी इन्होंने एक एक करके यहाँ पे लगाए हैं। सोन एग्रो की भी यहाँ पे स्टॉल देखने को मिल रही है जो कि इम्प्लीमेंट्स में काफ़ी एक साथ ही में बड़ी कंपनी भी जो है जो कि किसान भाइयों के लिए अच्छे प्रोडक्ट जो है लेके आती है। राजा इंटरप्राइजेस का यहाँ पे जैसे स्टॉल देख पा रहे हो आप, ये जो स्टॉल है यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी जो बागानी खेती के लिए जो इम्प्लीमेंट्स आप यूज़ करते हो वो सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ये सारे यहाँ पे स्टॉल लगी है। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो। हरनूर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि जनरेटर वगैरह जो है एस्टेब्लिश करते हैं किसान भाइयों के लिए। स्प्रे सिस्टम जो है साथ ही में जनरेटर्स का भी यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप, ये भी इनके साथ में प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो विश्वकर्मा हापुर की जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है प्रोडक्ट किसान भाइयों के लिए होने वाले हैं। BCS इंडिया के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि छोटे फार्मिंग जैसे बागानी फार्मिंग के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सद्दू इम्प्लीमेंट्स के इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि पंजाब में काफ़ी फेमस है। ये स्पीड हैरो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे साइड में जो है MB प्लाउ रखा हुआ है। इसके बाद ये येलो कलर में जैसे MB प्लाउ देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ा जो जैसे आप देख पा रहे हो 24 डिस्क हैरो की हैरो देख पा रहे हो जो कि बड़े ट्रैक्टर के लिए काफ़ी जो है मजबूत मानी जाती है। गुरबाज स्टोर रीपर जैसा प्रोडक्ट देख पा रहे हो, सारे इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका कोई मेकिंग, उसके बाद गुरबाज यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे किसान भाइयों के लिए लगाए हुए हैं जो कि एक ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पे किसान भाइयों के लिए लगी हुई हैं। तो गहिर स्टोर रीपर यानी गहिर कपूरा यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है स्टॉल लगाया हुआ है किसान भाइयों के लिए। एक एक प्रोडक्ट की पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे इनको एम्प्लॉइज द्वारा दी जा रही है। ये देखिए एक एक मतलब स्टोर रीपर, रोटावेटर वगैरह, लेज़र लेवलर, साथ ही में रोटावेटर सबसे बड़ा ये देख पा रहे हो, 7-8 फीट का रोटावेटर आप देख पा रहे हो। ये सुपर सीडर लगा हुआ है, सीडर मशीन यहाँ पे देखने को मिलेगी, तवियों वाली जो है डिस्क सुपर सीडर यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि एक आगे की खेती मतलब फ्यूचर खेती जनरेशन के लिए बात करें तो काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंट जो है होने वाला है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको जग्गी एग्रीकल्चर वर्क्स के प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। इम्प्लीमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं कंपनी ने। फार्मर्स फर्स्ट जैसे आप देख पा रहे हो डिस्क हैरो यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे सुपर सीडर देख पा रहे हो, जसवंत एग्रीकल्चर वर्क्स के प्रोडक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो आप जो कि यहाँ पे सबसे पहले सुपर सीडर रखा हुआ है, उसके बाद में जीरो स्पीड ड्रिल दिखा हुआ है। सर्बन इम्प्लीमेंट्स के यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स जो है उपकरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपकरण यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं किसान भाइयों के लिए। सबसे पहले डिस्क हैरो यहाँ पे देख पा रहे हो, दो बड़े जो डिस्क हैरो आप देख पा रहे हो जो कि पावर डिस्क हैरो जैसे ये इन्होंने बनाई हुई है सबसे बड़ी जो ग्रीन कलर में पीछे की तरफ जैसे आप देख पा रहे हो। हरविंदर एग्रो इंडस्ट्री का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। लोडर भी खड़ा हुआ है जो कि ट्रैक्टर के साथ में माउंटेड लगा हुआ है। उसके बाद ये लिमकन का सबसे बड़ा यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट्स को जो है फील्ड में लगा रखा है। साथ ही में ये लिमकन का MB प्लाउ यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मल्चर देख पा रहे हो आप स्पाइनल। तो तरह तरह के इम्प्लीमेंट्स जो है किसान भाइयों के लिए यहाँ पे लिमकन कंपनी ने लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैसी कंपनी का यहाँ पे लगाया हुआ है स्टॉल जो कि 95 मॉडल आप जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मैसी कंपनी का यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रैक्टर यहाँ जैसे देख पा रहे हो, ये 7250 DI ट्रैक्टर खड़ा है। उसके बाद यहाँ पे भी अच्छे इम्प्लीमेंट ये रहकर जहाँ पे देख पा रहे हो आप पीछे की तरफ, इसमें यहाँ पे रोरिया कंपनी के इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे किसान भाइयों के लिए यहाँ पे स्टोर में लगा रखे हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक्टर काफ़ी प्रसिद्ध है पंजाब एरिया में, हरियाणा एरिया में, उसकी जानकारी यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। ये चार्ली कंपनी का यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट्स वगैरह देख पा रहे हो जो कि स्प्रे सिस्टम है, साथ ही में धान की पेडलिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पे मल्चर देखने को मिल रहा है, सुपर सीडर का भी यहाँ पे
पूरा लगाया है। ये लेजर लेवलर के बारे में जानकारी मिल रही होगी, ये बेलर स्मॉल बेलर जैसे आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल बेलर जो है कंपनी का यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद पूरा एमबी प्लाउ एंड मल्टीपल क्रॉप सॉल्यूशन के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट जो है कंपनी ने इंपोर्ट कर रखे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे बैकहो लोडर खड़ा हुआ है, पीछे की तरफ में आपको हार्वेस्टर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सोनालिका कंपनी का यहाँ पे स्टॉल देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे अच्छे मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये DI 734 यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे ये टाइगर जो है DI 65 फोर व्हील ड्राइव में CRDI ट्रैक्टर के CRDI इंजन के साथ में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। इम्प्लीमेंट्स भी जो है सोनालिका कंपनी के पीछे की तरफ देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये एग्रीजोन 6049 ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो, काफ़ी सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए, जैसे आप देख पा रहे हो 9300 हार्वेस्टर खड़ी हुई है। उसके बाद माशियो गैरफराडो का भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है। न्यू होलैंड एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे स्टॉल आपको देखने को मिलेगा। ये रोल बेलर 125 आपको सामने की तरफ देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे TCS .30 के बारे में जो हार्वेस्टर लगी हुई है न्यू होलैंड एग्रीकल्चर की, वो यहाँ पे सामने की तरफ ही जो मेन फ्रंट में लगाया हुआ है देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे न्यू होलैंड कंपनी ने लगाए हुए हैं। ये 3037 जो अभी 3037 TX सुपर जो अभी नया ट्रैक्टर 4100 में लॉन्च हुआ है वो है। उसके बाद ये 3600-2 TX सुपर जो कि स्ट्रेट एक्सल के साथ में ट्रैक्टर आता है। आगे की तरफ जैसे आप देख पा रहे हो 3630 सुपर प्लस जो कि इनलाइन पंप के साथ में आता है, और ये तो आप ज़रूर देखें, ये तो मतलब 150 HP का ट्रैक्टर न्यू होलैंड 3070 जो कि काफ़ी अच्छा जो है मॉन्स्टर टाइप देखने में जो लग रहा है। न्यू होलैंड हार्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी एक मैक्सिमम लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लैंडफोर्स कंपनी का इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये फार्म लाइन हार्वेस्टर आपको देखने को मिल रही होगी, साथ ही में लैंडफोर्स कंपनी का यहाँ पे एमबी प्लाउ देख पा रहे हो। ये स्टोरी पर जैसे आप देख पा रहे हो आगे की तरफ लैंडफोर्स कंपनी के अलग अलग इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं किसान भाइयों को पूरी तरह जानकारी देने के लिए। आगे की तरफ सबसे पहले इन्होंने ये प्लांटिंग मास्टर पोटैटो प्लांटिंग प्लांटर लगाया हुआ है। उसके बाद महिंद्रा 755 DI ट्रैक्टर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा दिखने वाला और काफ़ी मतलब एक बोल देना बल्कि मॉडल है जो देख पा रहे हो। ये 755 DI आप देख पा रहे हो जो कि आगे की तरफ भी इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है मल्चर वगैरह को चलाने के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम मिलता है मल्चर वगैरह को चलाने के लिए। स्वराज कंपनी की स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि मॉडल आप देख पा रहे हो, ये 723 FE खड़ा हुआ है। उसके बाद में ये 744 XT मॉडल खड़ा हुआ है। उसके बाद में ये डीफल यहाँ पे देख पा रहे हो स्वराज 22 P, और ये आगे की तरफ फोर व्हील ड्राइव में स्वराज 469 FE खड़ा हुआ है। ये कोड का भी जो रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया था वो अभी आप देख पा रहे हो। आगे की तरफ चलें, हाँ ये तो देख पा रहे हो कोड जो है खड़ा हुआ है, कोड ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके बाद स्वराज 855 5-star देखने को यहाँ पे मिलेगा, स्वराज कंपनी का हार्वेस्टर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें आगे वाला जो स्टॉल है वो महिंद्रा ट्रैक्टर्स कंपनी का लगाया हुआ है। ये जो मेन इनका यहाँ पे खड़ा है 755 DI CRDI इंजन के साथ में, आगे की तरफ भी लिफ्ट्स यहाँ पे दी हुई है, हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे आगे की तरफ दिया, मल्चर वगैरह का इस्तेमाल आप इसमें जो है मल्टीपल धान वगैरह की खेती में आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद ये आगे वाला जो मॉडल आप देख पा रहे हो ये महिंद्रा 755 DI मॉडल खड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि CRDI इंजन के साथ में है, जो काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में देख पा रहे हो, लॉइस इसमें देने को मिलेंगे। ये महिंद्रा का प्लांटिंग पोटैटो जो कि आगे की तरफ भी खड़ा हुआ था जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद ये महिंद्रा यूवोटेक प्लस 485 ट्रैक्टर 585 DI यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। महिंद्रा कंपनी का जो इम्प्लीमेंट्स है रोटावेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ ही में वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी इसके बारे में, दूसरा ट्रैक्टर जो खड़ा है वो महिंद्रा यूवोटेक प्लस 575 DI ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सुपर सीडर आपको देखने को मिलेगा, साथ ही में ये महिंद्रा 605 DI DS DI MS ट्रैक्टर जो देखने को मिलेगा फोर व्हील ड्राइव में आप देख पा रहे हो। ये आप देख पा रहे हो स्क्वायर ग्रीन सिस्टम यहाँ पे जो है कंपनी द्वारा खड़ा किया गया है, जो स्क्वायर बेलर है आप यहाँ पे इसकी जानकारी
स्क्वेयर बिलर यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 5105 ट्रैक्टर जो है फोर व्हील ड्राइव में खड़ा हुआ है एस टी एस एक्सएल के बाद में। जो मेन जो है 75 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर, जैसे आप देख पा रहे हो जॉन डियर 5115M, काफ़ी यूनिक स्टाइल में जो कंपनी ने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, ये काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आगे की तरफ ये ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो, ये 5310 यहाँ पे मॉडल देखने को मिलेगा जो कि फोर व्हील ड्राइव में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये CID ट्रैम्प 4 ट्रैक्टर जो है देखने को मिलेगा जो कि 5405 यहाँ पे खड़ा हुआ है। किसान भाइयों के लिए काफ़ी मात्र अच्छी चीज़ें यहाँ पे जो है जानकारी के तौर पे आप देख पा रहे हो, मल्टी कोप वैक्यूम प्लांटर आपको जॉन डियर सिस्टम ग्रीन सिस्टम का देखने को मिलेगा। ये 5210 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है कंपनी ने, साथ ही में इसके साथ में जो है सुपर सीटर अटैच किया हुआ है। AC केबिन के साथ में 5075E ट्रैक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे यूनिक स्टाइल में देखने को यहाँ पे कंपनी द्वारा लगाया हुआ है। सबसे पहले जो मल्चर का बोर्ड यहाँ पे आप दिख रहा होगा, उसके बाद में यहाँ पे स्क्वेयर बेलर देख पा रहे हो, ये रैकर है, उसके बाद ये रोटरी हे हैकर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सुपर सीडर यहाँ पे तवियों वाली जो है लगाई हुई है कंपनी ने, ये पिनमेटिक प्लांटर जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आप, काफ़ी अच्छी मात्रा में इम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं कंपनी ने। इसके बाद ये मेन इनका जो है हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में शक्तिमान का स्पोर्ट्स मॉडल जो है मशीनरी शटल्स के साथ में यहाँ पे लगाया हुआ है, मशीनरी मॉडल जो है इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी जो है फील्ड में खेती में होने वाले हैं। ब्लैकस्टोन के इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रीशियस कल्टीवेशन एड्स प्राइवेट लिमिटेड। एक इम्प्लीमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स जो ब्लैकस्टोन के यहाँ पे किसान भाइयों के लगाए हुए हैं। सबसे पहला जैसा ये देख पा रहे हो ये सुपर सीडर है, उसके बाद ये लेजर लेवलर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैकस्टोन का जो है मल्चर जैसा देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये रोटावेटर आपको देखने को मिल रहा है, 8 फीट के साइज में रोटावेटर यहाँ पर लगाया हुआ है। लेजर लेवलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, फुली कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे टोटल सुपर सीडर यहाँ पे देखने को मिलेगा। दशमेश ग्रुप का जो है इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं ऑरेंज कलर में, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुपर सीडर देखने को मिल रही होगी। इसके बाद यहाँ पे रमेश ऐसा यहाँ देख पा रहे हो, ये बेलर लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्टोर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। AC केबिन जो है ट्रैक्टर में आपको लगा के देती है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। काफ़ी दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मॉन्स्टर टायर के साथ में काफ़ी बड़ा मतलब हैवी ट्रैक्टर दिखने में लग रहा है। AC केबिन देखने को मिल रहा है, एक बार काफ़ी अच्छे अच्छे AC केबिन यहाँ पे देखने को लगाए हुए हैं। तो पहले दिन की जितनी भी स्टॉल थी मैंने आपको टोटली सारी कवर करके आपको उसके बारे में पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दी है, साथ ही में आप जैसे इम्प्लीमेंट है कोई भी ट्रैक्टर ब्रांड है सबके बारे में मैंने आपको जानकारी सिंगल सिंगल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ ही ट्रैक्टर जंक्शन की वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद अगर अभी आप पर्टिकुलर सिंगल सिंगल मॉडल की जो वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी जैसे उपकरण है इम्प्लीमेंट्स हैं, साथ ही में ट्रैक्टर की जो सिंगल सिंगल मॉडल है पर्टिकुलर कंपनीज के सिंगल सिंगल मॉडल की वीडियो हम अपने चैनल पे यहाँ पे डालने के पूरा उसमें आप हमारे चैनल पे पर्टिकुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।